गुड मॉर्निंग। हम लोग CHSL के 4 सेट कर चुके हैं, अब हम लोग को 5th सेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ EDM। EDM का मीनिंग बताना है। टच ऑल बेसिस, ये EDM है। ऐसे सोचिए, आप हर बेस, हर आधार को छू रहे हो। इसका मतलब बी ऑप्शन, इंक्लूड एवरीथिंग, मतलब आप सभी चीजों को मिला रहे हैं, आप हर आधार को छू रहे हैं। टच ऑल बेसिस, ऐसे याद करिए कि आप सभी आधारों को छू रहे हैं। इंक्लूड एवरीथिंग, सभी चीज को इंक्लूड करना। आगे देखिए, प्रिया हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फ्रॉम जून 2017। देखिए, जून जो है, जून 2017, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है। सिंस कब आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये कौन सा टेंस है, देखिए बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन लगा है ing, इसके साथ टाइम दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, कोई समय दिया हो पॉइंट करने के लिए, तो उसको सिंस दिया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फॉर का यूज करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है जून 2017, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एक निश्चित समय बता रहे हैं, एक कि मतलब निश्चित टाइम बता रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह सिंस का यूज करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन, सिंस जून 2017। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किट, देखिए सिनोनिम बताना है। KIT, किट, किट मतलब क्या होता है, किट मतलब जैसे आप अगर टूल बॉक्स देखते हो उसके लिए किट का यूज करते हैं, है ना, किट बोलते हैं उसको। सेट ऑफ टूल्स, किट क्या होता है, सेट ऑफ टूल्स। ठीक, क्या हो गया, हाँ, सेट ऑफ टूल्स को किट बोलते हैं। इसमें देखिए सिनोनिम देखना, पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कण, इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं होता है, ये भी नहीं होगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो टूल्स होते हैं उन्हीं को तो इक्विपमेंट बोलते हैं, तो इक्विपमेंट इसका आंसर हो जाएगा। एलिमेंट क्या होता है, तत्व, हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट को तत्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल, आपने सुना होगा कि वो बहुत ही वर्सेटाइल है, मतलब जिस भी काम में डालो वो उसमें अपना परफेक्शन शो करते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। आपने सुना होगा हिंदी में बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी, वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी, जो बहुत ही प्रतिभाशाली हो, है ना, उसके लिए वर्सेटाइल का यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, अब इसमें ट्रुथफुल मतलब क्या होता है, सच्चाई, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, इनसिंसियर क्या होता है, इनसिंसियर होता है जो सिंसियर ना हो, जो अपने काम, सिंसियर क्या होता है, जो अपने काम में बहुत ही मन लगा के काम करता हो, और इनसिंसियर जो सिंसियर ना हो। ठीक, अब देखो इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है रिजिड, रिजिड जिसको इधर उधर, रिजिड मतलब होता है कठोर, या फिर इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो। वर्सेटाइल कैसा होता है, वो बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसको जिस भी काम में डाला जाता है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो वो वर्सेटाइल हो गया। इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो, हर काम में वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं शो करता, तो इसका एंटोनिम बताना है हमको। तो वर्सेटाइल का एंटोनिम जो है डी ऑप्शन ही सबसे सही लग रहा है। ठीक, वर्सेटाइल मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बहुमुखी प्रतिभा का, तो इनफ्लेक्सिबल इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते, इसके बाद पैसेज है, देखिए, द ग्रेट स्टूपा और साची ऑफ एट साची, साची में जो स्तूप है उसकी बात करी जा रही है। द ग्रेट स्तूपा एट साची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर, ये जो है ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इन इंडिया, भारत में पत्थरों का बना हुआ ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड डैश एम्परर अशोका इन द 3rd century BCE। ठीक, बिफोर मतलब 3rd century, तीसरी शताब्दी में अशोक द्वारा इसे बनाया गया था। अब बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड
बाई फ्रॉम टू विद क्या आना चाहिए? अशोक द्वारा बनवाया गया था बाई, यहां पे आ जाएगा बाई। इट वॉज ओरिजिनली कमीशंड बाई एम्परर अशोका इन 3rd century BCE। ठीक। इट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्र, सेंटर, सेंटर की बात करी जा रही है। इट न्यूक्लियस अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक। हेमिस्फेरिकल क्या होता है? आधा गोला, मतलब इसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल। ठीक। हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल ब्रिक पत्थरों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इट न्यूक्लियस, देखिए वर, वर होगा, इट्स लिखा हुआ है तो यहां पे, यहां पे पहले तो इट्स अपोज, इट्स लिखा हुआ है, इट्स न्यूक्लियस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैप्ट और गेव तो आना नहीं है, अब इसमें देखना है, वॉज हो जाएगा क्योंकि इट न्यूक्लियस इसका केंद्र है ना, यहां पे वॉज आ जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियस तो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड क्या होता है? न्यूक्लियाई, डबल आई अगर यहां पे होता तो प्लूरल हो जाता, न्यूक्लियाई इसका प्लूरल होता है। हाँ, जैसे रेडियस का रेडियाई है ना, ये प्लूरल होता है। जैसे देखिए लिखा है रेडियस, इसका अगर प्लूरल बनाना होता है तो होता है रेडियाई। ठीक। वैसे ही न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, इसका मतलब ये सिंगुलर लिखा है इसलिए यहां पे वॉज आएगा। ठीक, आगे बढ़ते। इट न्यूक्लियस, इट न्यूक्लियस वॉज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट डैश ऑन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। अब देखिए जरा, यहां पे बाई आया था, यहां पे वॉज आया था। रिलिक्स क्या होता है? रिलिक्स ऑफ बुद्धा, रिलिक जानते हैं, रिलिक मतलब होता है अवशेष, फॉसिल्स, बुद्धा के जो अवशेष है उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इट न्यूक्लियस वॉज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ऊपर, ऊपर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एसाइड तो नहीं होगा, अबाउट भी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा, ओवर, बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के रिलिक्स पर, अवशेषों के ऊपर ये बनाया गया है। इट वॉज क्राउंड बाई द छत्री। ठीक, उसके ऊपर क्राउन की तरह मतलब छत्री बनाई गई है। अब पैरासोल लाइक, पैरासोल लाइक डैश सिंबलाइजिंग हाई रैंक, बताइए क्या होगा? पैरासोल लाइक, पैरासोल मतलब होता है छत्र की तरह, छतरी जैसे होती है, छत्र की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए ऊपर भी स्ट्रक्चर का यूज किया गया था, बी ऑप्शन आएगा, स्ट्रक्चर, छत्र की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। सिंपलाइजिंग हाई रैंक, जो एक हाई रैंक शो करता है, विच वॉज डैश टू ऑनर एंड शेल्टर टू रिलिक्स, जो कि उसको सम्मान देने के लिए, उनके जो रिलिक्स अवशेष है उनको सम्मान देने के लिए और छाया शेल्टर देने के लिए उनको रिलिक्स के ऊपर बनाया गया। अब यहां पे क्या होगा? प्रेडिक्टेड क्या होता है? प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन मतलब होता है आउटलाइन, उल्लिखित करना, कुछ लिखना, लिखा नहीं गया, छत्र लगाया गया है। इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब क्या होता है? इंटेंडेड बात बताएगा। इनफॉर्म क्या होता है? सूचित करना। अब बताइए इंटेंडेड क्या होता है? इंटेंडेड मतलब होता है इरादे से, किसी इरादे से। अब यहां पे देखिए, विच वॉज इंटेंडेड टू ऑनर, ऑनर देने के इरादे से, यही फिक्स हो रहा है। इंटेंडेड, इट वॉज इंटेंडेड टू ऑनर एंड शेल्टर, उनको ऑनर और शेल्टर देने के इरादे से ये छत्र जो है बनाया गया है। ठीक, यहां पे इंटेंडेड हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। इसके बाद पैराजंबल है, चलिए ए बी सी डी देखिए। वॉकर इंस्टेड गेव टू अफरीदी हु वेंट ऑन स्कोर 37। किसी मैच की बात हो रही है, कुछ इसमें वॉकर भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो शाहिद अफरीदी की भी बात करी गई है, फिर सचिन तेंदुलकर की भी बात करी गई है। अब देखिए, अब यहां कहां से स्टार्ट होगा बताइए? बता
बताइए कहां से स्टार्ट होगा? कहां से? डी से. सचिन हैड अर्लियर गिफ्टेड. किस अर्लियर गिफ्टेड किया है, क्यों गिफ्ट किया है, कुछ बताया नहीं गया. यहां से नहीं होगा. अगर आप देखें, अगर आपको लग रहा है डी से होगा तो डी के बाद सी लगाइए. सबसे पहले हम आपको हिंदी बता दे रहे हैं, इसकी हिंदी क्या है. ठीक. पहला, वॉकर इंस्टेड गेव इट टू अफरीदी. वॉकर ने इसके बजाय अफरीदी को दिया. हु वेंट टू स्कोर, जिन्होंने स्कोर किया 37 बॉल में सेंचुरी, द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी, मतलब जो कि ओडीआई सेंचुरी की फास्टेस्ट सेंचुरी थी. मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा चल रहा है कि वॉकर ने कुछ दिया है अफरीदी को और अफरीदी ने 37 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है, कुछ ऐसा चल रहा है. दूसरा देखिए, दैट वॉज वेन हिज टीम मेट वॉकर यूनुस हैंडेड ओवर अ बैट. इसका मतलब कोई हैंडेड ओवर द बैट दैट बिलोंग टू सचिन तेंदुलकर. देखिए इसका मतलब ये, दैट वॉज वेन, तब उनके बैचमेट या टीममेट जो वॉकर यूनुस थे, उन्होंने हैंड ओवर किया है एक बैट जो कि बिलोंग करता है सचिन तेंदुलकर को. यह भी नहीं बन रहा है. दूसरा, तीसरा देखिए, व्हेन शाहिद अफरीदी हैड फ्लोन इनटू जॉइन द पाकिस्तान टीम 1996, जब शाहिद अफरीदी ने 1996 में पाकिस्तान की टीम ज्वाइन की, ही डिड नॉट इवन हैव अ प्रॉपर बैट टू प्ले. तो शाहिद अफरीदी के पास एक प्रॉपर बैट भी नहीं था खेलने के लिए. ये कुछ ठीक लग रहा है, सी लिख लेते हैं. ठीक. अब अगर उनके पास बैट नहीं था तो उनको किसी ने बैट दिया होगा. अब देखिए बी देखिए, अब देखिए ये सी वाला हो गया. अब बी देखिए, दैट वॉज वेन हिज टीम मेट वॉकर, अब उनके टीम मेट जो वॉकर यूनुस थे, हैंडेड ओवर हिम अ बैट, उन्हें एक बैट हैंड ओवर किया जो कि सचिन तेंदुलकर का था. अब ये मैच कर रहा है. पहले पास अफरीदी ने ज्वाइन किया, उनके पास बैट नहीं था, उनके बैचमेट ने उन्हें बैट दे दिया. ठीक, कोई बात नहीं. अब ये बैट आया कहां से उनके पास? अब ये बैट आया कहां से उनके पास? सचिन हैड अर्लियर गिफ्टेड वॉकर हिज बैट टू टेक टू सियालकोट, पाकिस्तान, वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, एंड गेट अ कस्टम मेड वन रेप्लिकेटेड देयर. रेप्लिकेट मतलब होता है दोबारा मेड करना, दोबारा बनाना. ठीक, रेप्लिका सुना होगा, बिल्कुल जस्ट कॉपी बना देना. ठीक, सचिन ने वॉकर को गिफ्ट किया था जिसको, अपने बैट को. क्यों? क्योंकि सियालकोट ले जाने के लिए. अब देखिए, सियालकोट के बाद कॉमा लगा, उसके बाद कुछ लिखा है, इसका मतलब सियालकोट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल थी, मतलब स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली राजधानी थी सियालकोट. एंड गेट अ कस्टम टू मेड वन रेप्लीकेटेड देयर, उन्होंने यह दिया था कि उससे रेप्लीकेट बना ले, उसका एक कॉपी बनाने के लिए उसको बैट को गिफ्ट किया था. अब इसका मतलब यहाँ पे डी, इसका मतलब बी के बाद जो वॉकर थे उनके पास बैट सचिन ने खुद उनको दिया था, डी आ गया. अब देखिए ए वाला बचा. ए मतलब वॉकर ने इसके बजाय, मतलब सियालकोट में उसका रेप्लिका बनवाने के बजाय क्या किया? इंस्टेड गेव इट टू अफरीकी, इसके बजाय उन्होंने अफरीदी को दे दिया. और अफरीदी ने क्या किया? हु वेंट ऑन स्कोर 37 बॉल्स ऑन सेंचुरी, 37 बॉल में जिन्होंने सेंचुरी लगा दी. बन गया सीबीडीए. एक स्टोरी चल रही थी, स्टोरी को आपको पकड़ना था, कौन सी कहां बिलोंग कर रही. आगे बढ़िए, करेक्टली स्पेल्ड बताना है. तो सबसे पहले पहला ऑप्शन इंप्रेशनेबल. इंप्रेशनेबल मतलब क्या होता है? इंप्रेस करना, प्रभावित करना. इंप्रेशनेबल प्रभावित करना. ठीक, इंप्रेस करना. स्पेलिंग सही है? नहीं सही है. आई एम पी आर ई डबल एस, आई एम पी आर ई डबल एस आई यू एन ए बी एल ई, इंप्रेशनेबल हो गया. प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी स्पेलिंग सही है? प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? किसी की तरफ साइड लेना, झुकाओ, किसी के साइड लेना जैसे. ठीक है, प्रोपेंसिटी की स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है, पक्का. पी आर ओ पी ई एन एस आई टी वाई, प्रोपेंसिटी. ससेप्टिबल देखिए, ससेप्टिबल की स्पेलिंग होती है एस यू एस सी ई पी टी आई बी एल ई. ठीक, ससेप्टिबल भी गलत हो गया, मतलब यहाँ पे एस और आना चाहिए. ससेप्टिबल मतलब
क्या होता है? ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, ससेप्टिबल होता है। ठीक, आगे बढ़े। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल क्या होता है? इम्पेकेबल होता है, ये स्पेलिंग सही है इम्पेकेबल की, इसका मतलब होता है फ्लॉलेस या फिर फॉल्टलेस, जो जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी एरर ना हो, कोई भी फॉल्ट ना हो, जो एक फ्लो में बहता जाए, फ्लॉलेस, इम्पेकेबल। ठीक, इम्पेकेबल मतलब होता है फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, जो कभी गलती ना हो जिसमें कुछ भी, या फिर कह सकते हैं हिंदी में त्रुटिहीन, एररलेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बताना है? वन वर्ड बताना है, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। कोई पर्सन जो सेंटर ऑफ अटेंशन हो क्या होगा बताओ? ऑर्गेनाइजर पता है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। लीडर पता है, जो मेन लीडर होता है। साइनस हो, इसका मतलब होता है आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं साइनासोर। यही ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिटिशियन पता है, राजनेता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक बताना। अर्थक्वेक इंसेप्शन दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग दैट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विदस्टैंड अ स्ट्रांग टेमर। सबसे पहले कुछ विदस्टैंड मतलब क्या होता है? विदस्टैंड, विदस्टैंड मतलब जो डैमेज ना हुई हो, अनडैमेज या फिर अछूती रह गई हो, अनछुआ, अछूता या फिर अनडैमेज। ठीक, अनडैमेज, अनछुआ, बताइए। अर्थक्वेक इंसेप्शन, अर्थक्वेक की जब जांच की गई तो पता चला। अब पता चलने के लिए, पता चला, चलिए आगे बढ़ते, पहले हिंदी देख लेते। दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग, जो दो पुरानी, एंशिएंट बिल्डिंग मतलब पुराने समय की जो बिल्डिंग थी, दैट रिमेन्ड इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब जो कि डैमेज ना हुई हो, इसका मतलब भी यही होता है, जो प्रभावित ना हुई हो, डैमेज ना हुई हो, डिस्ट्रॉय ना हुई हो, उसको बोलते हैं इनैक्ट। ठीक, जो अछूती रह गई हो, नॉट डैमेज हो। आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग मतलब जब हिरोशिमा में, टोक्यो में बॉम्बिंग हुई थी, हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरे थे, उस समय वो जो नष्ट नहीं हुई थी दो बिल्डिंग, वुड नॉट विदस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रिमर, वो जो भूकंप आया है उसमें, उसमें कोई क्षति नहीं हुई है ना, विदस्टैंड है, उसमें कोई क्षति नहीं हुई है। अब आगे देखिए, मतलब कि कोई रिपोर्ट आई है, कुछ समझ में आ रहा होगा, अर्थक्वेक का इंसेप्शन हुआ, जांच हुई तो पता चला, इसका मतलब कोई मिस्ट्री को उजागर किया गया। अब मिस्ट्री उजागर करने के लिए रिट्रैक्ट क्या होता है? रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब होता है अपनी बात से पीछे हट जाना, अपनी बात से पीछे हटना। देखिए, आप जब पेपर कर रहे होंगे तो आपको पता है इसमें वो कैब पार्ट कितना आता है। ठीक है, जो भी आपको पेपर में वो कैब मिल रही है वो तो याद ही करते रहिए, फिर एक्स्ट्रा और याद करने को मिलेगा। रिवील मतलब होता है रहस्य उजागर होना। अब देखिए, जो अर्थक्वेक जो इंसेप्शन हुआ उसमें रहस्य तो मिस्ट्री थी, उसी को तो खोला, रिवील किया, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, रिवील्ड। रिज्यूम क्या होता है? पुनः आरंभ करना। रिज्यूम मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, ये तो होगा नहीं। रीडायरेक्टेड, रीडायरेक्टेड होता है डायरेक्ट टू न्यू, मतलब पुनर्, दोबारा करना, दोबारा निर्देशित, पुनर्निर्देशित, या बोलते हैं डायरेक्ट टू न्यू। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, रिवील्ड, रहस्य उजागर करना, मतलब अर्थक्वेक का जब रिपोर्ट आई तो रहस्य उजागर हुआ। आगे बढ़ते, वन वर्ड बताना है, स्मॉल रूम वेयर डिशेस आर वॉश, जहां पे प्लेट्स वगैरह धुले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेंट्री क्या होता है? पेंट्री, जब खाना बन जाता है तो खाना उठाकर जहां रख दिया जाता है उसे बोलते हैं पेंट्री। अ रूम विच इज केप्ट फूड, अ रूम इन विच
फूड आर केप्ट, उसको बोलते हैं पेंट्री, जहां खाना बनने के बाद फूड रखा जाता है उसे बोलते हैं पेंट्री। ठीक, खाना बनने के बाद जहां फूड रखा जाता है उसे बोलते हैं पेंट्री। ए स्मॉल रूम इन विच फूड आर केप्ट या फूड इज केप्ट, उसको बोलते हैं पेंट्री। एंट रूम क्या बोलते हैं? एंट रूम क्या होता है? एंट रूम मतलब होता है लॉबी। लॉबी हमने क्या बताया था? लॉबी वहां जहां लोग बैठ के इंतजार करते हैं, इसको वेटिंग रूम भी बोल सकते हैं। वेटिंग रूम। एंट रूम मतलब होता है वो रूम जहां पे लोग इंतजार करते हैं बैठ के, वेटिंग रूम। लार्डर क्या होता है? लार्डर मतलब क्या होता है बताइए? लार्डर क्या होता है? लार्डर मतलब होता है रूम, कोई ऐसा रूम या फिर कबर्ड। रूम और कबर्ड इन विच फूड आर स्टोर्ड, जहां पे फूड को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं लार्डर। इन विच फूड आर स्टोर्ड, जहां पे फूड को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं लार्डर। अब बचा स्कलरी। स्कलरी क्या होता है? यही बचा जहां पे बर्तन धोए जाते हैं, जहां पे बर्तन वॉश किए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, जहां पे उसे बोलते हैं स्कलरी। आगे देखिए, इसके बाद फिर से पैरा जंबल, फिर से कोई स्टोरी बन रही है। मुल्ला नसरुद्दीन, हम आपको एक एक लाइन के पहले हिंदी बता दे रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ओपन हेयर कटिंग सैलून एंड वाज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे जिन्होंने हेयर कटिंग सैलून खोला और वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ठीक, मुल्ला ही सेड सीपिसली। सीपिसली क्या होता है? सीपिसली मतलब होता है बहुत ही दब्बू तरीके से, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और जब आप कोई अपनी बात करते हो तो उसके लिए आता है सीपिसली, मतलब दब्बूपन की तरह, बिल्कुल जब आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो उसके लिए सीपिसली का यूज करते हैं। मुल्ला ही सेड सीपिसली माई न्यू वाइफ इज कमिंग होम टूडे, जो मेरी नई वाइफ है वो आ रही है घर। ठीक, इसका मतलब ये किसी से बातें चल रही है, ये तो पहला आएगा नहीं। ठीक, अभी मतलब पहला आने के चांसेस ए वाले ही हैं। जस्ट टेक आउट ऑफ द ग्रे है, अब कोई कह रहा है कि उनके ग्रे जो स्ट्रैंड्स हैं फ्रॉम माय बियर्ड। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, है ना, दाढ़ी में से ग्रे हेयर। ग्रे हेयर मतलब होता है वाइट, सफेद बाल। ग्रे स्ट्रैंड मतलब सफेद बाल हटा दो। टेक आउट ऑल द ग्रे स्ट्रैंड ऑफ माय बियर्ड एंड मेक मी लुक वेरी यंग, और मुझे ऐसा बना दो जैसे मैं बहुत ही यंग हूं। इसका मतलब ये देखिए बी और सी मिल रहा है, बी और सी एक साथ आने चाहिए। कोई है मतलब जो हेयर सलून के पास, मुल्ला के पास कोई गया है और वो कह रहा है कि मेरी वाइफ आ जा रही है और तो इसलिए मेरी जो दाढ़ी है उसमें से सफेद बाल हटा के मुझे यंग बना दो। ठीक, बीइंग द फर्स्ट डे अ लॉट ऑफ पीपल केम, अब देखो हेयर सलून खोला था उन्होंने, हेयर सलून खोला था, हेयर सलून खोला था उन्होंने, तो हेयर सलून खोला था तो पहला दिन था। इसका मतलब ए और डी मिल रहे हैं। अब देखो ये ए और डी, बी और सी मिला, बस यही टिक कर दिया, आगे बढ़े। एनोडाइन, एनोडाइन क्या होता है? एनोडाइन मतलब होता है पीड़ा नाशक या फिर जो कष्टों को हर ले, जैसे आपको दी जाती दवाएं दी जैसी एनाल्जेसिक वगैरह दी जाती है, आपका जो पेन किलर जो होती है उसके लिए एनोडाइन का यूज करते हैं। ठीक, आपको जब कोई दर्द होता है, जो पेन होता है तो उसको जो खत्म करने के लिए दिया जाता है उसे बोलते हैं एनोडाइन, पेन किलर। अच्छा, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? शत्रुता, बेनाइन छोड़ देते हैं। गिगेंटिक क्या होता है? गिगेंटिक मतलब होता है जो आकार में बहुत बड़ा हो। हार्मफुल क्या होता है? खतरनाक। अब देखिए बेनाइन, बेनाइन आपने सुना होगा, जब कैंसर मान लीजिए किसी को है, आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं परेशान मत होइए, कैंसर जो है बेनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है। मैलिग्नेंट सुना है? बेनाइन और मैलिग्नेंट।
आप डॉक्टर बोलते हैं कैंसर जो है बेनाइन है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर मैलिग्नेंट होता तो प्रॉब्लम होती। मैलिग्नेंट दो वर्ड है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब जो होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस, जो ऑपरेशन करने में से भी सफल ना हो, सही ना हो। बेनाइन मतलब होता है बहुत ही सौम्य, बहुत ही जेंटल, ठीक। आप देखिए एंडोक्राइन मतलब होता है पीड़ानाशक, और इन चारों ऑप्शन में केवल बी ही ऑप्शन है जिसका मतलब है सौम्य, बहुत ही जेंटल, और सिनोनिम बताना है इसलिए हमने बी ऑप्शन चूज किया, ठीक। करेक्टली मतलब बिल्कुल जस्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन बेस्ट इनमें सबसे बी ऑप्शन है, इसलिए हमने बी को चूज किया। आगे देखते हैं इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट देखिए, स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड गिवन दैट आवर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हिंदी देखिए क्या लिखा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज, मतलब उसको प्रमुखता देनी चाहिए। क्यों? गिवन दैट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है। तो अब बताइए क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए इस प्रायोरिटाइजिंग, मतलब कि बढ़ रही है घट नहीं रही है, ये है उसका मतलब, ठीक। फिलहाल आप उस पर ध्यान मत दीजिए, देखिए ऑप्शन देखिए, अगर आप ऑप्शन दे रहे हो, देख रहे हो, अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो इस पे फोकस करिए, मस्ट बी प्रायोरिटाइज पे बात करी जा रही है। कुड तो होगा नहीं, मे भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको तो उन्होंने महत्व देना ही देना है, इसलिए यहाँ पे मस्ट भी बिल्कुल सही है, नो एरर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द बैट्समैन हैड हिट द बॉल, देखिए पैसिव वाइज हैड है तो हैड बीन होना चाहिए, है नहीं है, है नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओ डियर, द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल ऑफ द टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल, क्या होगा? हमने बताया था वन ऑफ द प्लस जो नाउन आता है ये प्लूरल होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होता है, बताया था। देखिए वन ऑफ द चैनल्स होना चाहिए, ना कि चैनल, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा एरर हो जाएगा, ए पार्ट। आगे बढ़ते, द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी बट द बिग फिश एस्केप्ड। अब इसमें ईडियम बताना है बिग फिश, बिग फिश मतलब क्या होता है, बड़ी। ईडियम बताया था, ये एक ईडियम है, बिग फिश मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी, बहुत ही धनी, या हमने बताया था बिग फिश, जैसे अंबानी बिग फिश है, मतलब कि बहुत ही धनी, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्लम मैन क्या होता है, मोटा आदमी। टॉल मैन लंबा। लार्ज साइज मतलब जो आकार में बड़ा हो। मेन लीडर, बिग फिश मतलब मेन लीडर हो जाएगा। आगे बढ़ते, नेबुलस। नेबुलस मतलब क्या होता है, नेबुलस मतलब होता है वैग्यू, अस्पष्ट, ठीक। नेबुलस कॉन्सेप्ट, ऐसे याद लिखिए कि नेबुलस कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अस्पष्ट हो, नेबुलस अनक्लियर है ना, अस्पष्ट, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, क्लियर हो जाएगा। फैमिलियर पता है, जो फैमिली से रिलेटेड हो, मतलब कि बहुत ही वेल नोन हो जो, ठीक। म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, दोनों देते हैं, लेन देन, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। कॉमन, कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक। म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए करते हैं, हम सामने वाले से करते हैं और सामने वाला हमसे करता है, उसके लिए म्यूचुअल करते हैं, पारस्परिक। नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर एरर बतानी है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिसेम्बल टू ईच अदर, रिसेम्बल के बाद टू नहीं आता है, डी में एरर, ठीक। रिसेम्बल के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती है। द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन, रिपोर्टर ने पॉलिटिशियन से कहा, एज अ वुमेन लीडर What are some of the major dash that you face? अब देखिए हिंदी देखते हैं कि क्रैश मतलब होता है जैसे गाड़ी जब टकरा जाती है उसको बोलते हैं क्रैश हो गया। चैलेंज, चैलेंज तो समझते हैं, चैलेंज मतलब क्या होता है, हाँ मतलब कि आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। क्रंच, क्रंच जब किसी को कुचला जाता है तो जो कुचलने की आवाज होती है उसको बोलते हैं क्रंच। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक। वो कह रहा है वुमेन लीडर होने के नाते व्हाट आर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, क्या कठिनाइयां फेस कर रहे हो एक वुमेन लीडर होने, महिला नेता होने के नाते। चलिए इनकरेक्टली स्पेल्ट बताना है, मेडिटेटिव, एप्रीहेंड, एप्रीहेंसिव और पेंसिव।
बताइए इनकरेक्टली. पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन में है मेडिटेटिव. स्पेलिंग मेडिटेटिव होता क्या है? रिलेटेड टू मेडिटेशन, मतलब ध्यान लगाना. स्पेलिंग जो होती है मेडिटेटिव, यहां पे ई आई लगना चाहिए, मेडिटेटिव आई. ठीक, मेडिटेटिव. मेडिटेटिव मतलब होता है मेडिटेशन, ध्यान लगाना. एप्रीहेंड, सॉरी अपेंड, अप्रीहेंड नहीं, अपेंड. अपेंड मतलब क्या होता है? आपने अपेंडिक्स सुना होगा, इससे एक वर्ड बना है अपेंडिक्स. सुना है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना, सुना है अपेंडिक्स, इसी से बना है अपेंड. इसका मतलब होता है अटैचमेंट या संलग्न. ठीक, इसको बोलते हैं अपेंड को बोलते हैं संलग्न, जुड़ा हुआ, अटैचमेंट. अपेंडिक्स सुना होगा आपने. ठीक, आप बताइए अपेंड की स्पेलिंग सही है, क्योंकि इसमें इनकरेक्टली बताना तो सारी स्पेलिंग सही है, बस आपका ऑप्शन. एप्रीहेंसिव क्या होता है? एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब होता है चिंता. ऐसे याद करिए, एप्रीहेंसिव अबाउट एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए चिंताग्रस्त होना. आप कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आपस में जोड़ लिया करिए ताकि याद करना आसान हो जाए. एप्रीहेंसिव अबाउट एग्जाम, चिंता में होना, चिंताग्रस्त होना. टेंसिव, टेंसिव मतलब होता है चिंता में डूबा हुआ, सीरियस थॉट्स में डूबा हुआ, कुछ आप सोच रहे हैं. तो इसके आगे जोड़ लीजिए पेंसिव मूड, मतलब सीरियस थॉट में हो आप, कुछ सीरियसली सोच रहे हो, सीरियस थॉट्स. ठीक है, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है. कीर्ति आस्क मी इफ आई हैड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है. अब देखो इफ लगा है, इफ आई हैड, इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है. अब बताइए आई हैड बना है, इसका मतलब ये जो है पास्ट इंडेफिनिट से आया है. ठीक, इसमें भी डिड यू लगा है, इसमें भी डिड लगा है, बाकी सब बेकार हो गए, यही दोनों हो सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे था आई, इसका मतलब यहां से आया है. ठीक, मी का ही तो आई हुआ है, अगर यहाँ पे सी होता तो यहां से आया होता, इसका मतलब यहाँ पे कोई सेकेंड पर्सन रहा होगा. अब देखिए ये तो कट गया, बस याला सही है. ठीक, समझ में आ गया. चलिए अब खत्म हो गए पूरे. चलिए अब नेक्स्ट डे हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे. ओके, थैंक यू.